विदिशा के पठारी में हाल ही में नगर के युवा नेता को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया है, जो सर्वप्रथम अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने और वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद प्राप्त करने पठारी आया, जिसका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। नगर के युवा नेता सुनील साहू को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी का दायित्व प्रदान किया गया, जिसके उपरांत सर्वप्रथम सुनील साहू गृह नगर पठारी पहुंचे, जिन्होंने अपने मित्र अभिलाष साहू के साथ जन्मभूमि को प्रणाम किया है, जिसकी जमकर सराहना की जा रही है। सुनील साहू ने कहा कि मैं नेता नहीं बेटा हूं, मैं जन्मभूमि और वरिष्ठ जनों को प्रणाम करने आया हूं। यह मेरा वादा नहीं दावा है कि भाजपा सरकार में पठारी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित भावसार ने लोगों को संबोधित किया। विदिशा से आशीष सैले की रिपोर्ट। बोलता है लेकिन आपके लिए ये सुनील साहू अभी भी हो सकता है एक छोटा सा बच्चा हो, लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने लिए, जिले के लिए, मैं तो बासुका से उसके साथ आया हूँ क्योंकि मेरा छोटा भाई है। केवल इसलिए कि मैं ये मानता हूँ कि ये केवल पठारी के लिए नहीं, ये गंज बासुदा के लिए और पूरे संपूर्ण जिले के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे बीच का एक ऊर्जावान युवा नेतृत्व आज मध्य प्रदेश में बैठकर कम से कम कहीं ना कहीं से हम लोगों को भी एक राहत भरी रहती है कि हाँ, हमारा छोटा भाई भोपाल में बैठा है, अगर कुछ होगा तो देख लेगा। बस आप सभी का जो आशीर्वाद मैं देख रहा हूँ, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों से भी होते हुए विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता था। सत्यम यहाँ आइए, ये राम लखन की जोड़ी है। ये जो सत्यम अविनाश ठाकुर और सुनील साहू, ये दोनों इतने परम मित्र हैं कि हर क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। ये दोनों यहां स्वागत करें, इनकी भी उपलब्धता को मैं बतलाऊंगा, इन्होंने क्या उपलब्धि किया है वो भी बतलाऊंगा। सुनील बचपन से ही विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता था। वो वास्तविकता ये थी कि आठवीं या नवीं तक मैं भी नहीं जानता था सुनील किसका बच्चा है। एक नीचे के स्कूल में कार्यक्रम हो रहा कि आज मैं अपने लोगों के बीच में हूँ और भावुक इसलिए भी हूँ क्योंकि जब अपने होते हैं और अपने लोग होते हैं तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। थोड़ा सा लेट हुआ हूँ लेकिन कहा जाता है कि चले चलते हैं, अपने घर ही तो चलना है, तो अपने घर ही आए हैं। और भाई साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा में जो पद दिया है, भाई साहब ऐसा कहते हैं कि वादा करते हैं, वादे टूट जाते हैं, लेकिन मैं पठारी की जनता से ये कहना चाहता हूँ, मैं वादा नहीं करूँगा, मैं दावा करूँगा। दावे कभी नहीं टूटते और मैं दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से चलकर मैं पठारी के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करके जाऊंगा, ये मैं दावा करता हूँ, वादा नहीं करता, वादा टूट जाता है। मैं बहुत कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, अंदर से मन भावुक है, बहुत ज़्यादा भावुक है, कुछ बोलना आ नहीं रहा है। समय समय पे सुनते रहेंगे आप लोग, अब तो मीडिया का काम मिल गया है तो सुनेंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का, इस पर्वतीय नगरी के सभी सम्माननीय जनों का, भाई साहब बहुत बहुत आभार आप लोगों का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।